अस्सलाम वालेकुम, पंजाब सेफ सिटी 30 टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिमशा आवान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यादगार शहदा पर, जो कि खराज तहसीन पेश करती है पुलिस के तमाम शहदा, चाहे वो डॉल्फिन से हो, एलीट से हो, ट्रैफिक वार्डन्स और वो तमाम शहदा पुलिस के जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके आपकी हिफाजत को और आपकी जानों को और आपकी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया। से कहो नम नाक न हो जो राह खुदा में मार गए, जो राह खुदा में मार गए, वो जिंदा थे वो जिंदा है, दहशतगर्दी के इस अफसोसनाक वाक़े में DIG कैप्टन रिटायर्ड मुबीन शहीद, SSP जाहिद गोंदल शहीद के साथ साथ पुलिस के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और दर्जन अफराद जख्मी हुए। वतनी अजीज में अमन इस्तेहकाम के क्याम और आवाम के जानो माल की तहफ़ के लिए खिदमात सर अंजाम देते हुए पुलिस के 8,000 से जायद जवान और अफसरान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। नाज़रीन, आज इस यादगार शहदा से प्रोग्राम का आगाज़ करने का मकसद भी शहदाए पुलिस की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करना और इनके बहादुर सपूतों के अहले खाना के साथ इजहार यकजहती करना है। यहाँ पर यह जिक्र करना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कौम, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले तमाम अदारों की मेहनत से दहशतगर्दी पर काबू पाया गया है, जो कि एक मुस्तकिल सफ़र है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को ये इजाज़ हासिल है कि अथॉरिटी के कैमरों की मदद से इस वाक़े के जिम्मेदारान तक रसाई मुमकिन हुई और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। नाज़रीन, शहदा तो अपनी जानों का नजराना पेश करके सुरखरू हो जाते हैं, मगर उनकी फैमिली उन्हें कैसे याद करती है और उनके क्या तासुरात होते हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, अब हम कैप्टन मुबीन शहीद की घर में मौजूद हैं और आइए उनके मैसेज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, उस दिन वाक़या हुआ, जानों का नुकसान हुआ, क्या कहेंगी जो फ्रंट लाइन पे हमारी फोर्सेस हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारी हिफाजत को यकीनी बनाती हैं, उनके खराज तहसीन पेश करने के लिए आप क्या कहेंगी? ये बेशक एक जज्बा ही होता है जो एक इंसान को आर्म फोर्सेस की तरफ उसका हिस्सा बनने पर इंसान तैयार होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो चाहे पुलिस फोर्स हो या आर्म फोर्सेस दूसरी हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारी एयरफोर्स है, जितनी भी सब फोर्सेस हैं, डेफिनेटली उसमें एक जज्बा ही होता है जिसके तहत कोई भी इंसान उसका हिस्सा बनता है और उस पर जो भी जिम्मेदारी आयद होती है वो उसको निभाने की पूरी कोशिश करता है। मैडम, इससे पहले कभी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि उन्हें जो है शहादत का रुतबा हासिल करना है, या उन्होंने कभी ऐसी ख्वाहिश आपके सामने जाहिर की हो? आप उनके अगर करियर को उनकी करियर को देखें तो उनको जितनी भी अपॉइंटमेंट्स मिली अपनी जॉब से रेलेवेंट, पुलिस से पहले वो आर्मी का भी कुछ अर्से हिस्सा रहे, कैप्टन रिटायर्ड हुए और फिर उनका सिलेक्शन हुआ, तो जब वो आर्मी में भी थे तो ही वॉज उनकी मोस्टली पोस्टिंग जो है वो लास्ट जो उनकी पोस्टिंग रही वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में रही, और उस हवाले से भी उन्होंने टेररिज्म के ऊपर ही काम किया, और फिर उसी के बाद भी उनकी जितनी भी पुलिस के अंदर भी उनकी अपॉइंटमेंट्स बेसिकली, और फिर एक वक्त आया जिस वक्त उनकी शहादत हुई, उस वक्त हमारा मुल्क बहुत बुरी तरह से दहशतगर्दी की लपेट में था, और उस वक्त भी उनकी अपॉइंटमेंट दो उस मतलब ट्रैफिक पुलिस के वो चीफ थे, मगर कुछ उनकी आदत ऐसी थी कि हर जगह के ऊपर उनको लगता था कि उनका फ़र्ज़ है कि वो पहुँचें, और जितने भी इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई उसमें फिर वॉलंटरली यूज़ टू प्ले अ पार्ट, और वो जाते थे और वो उसका हिस्सा बनते थे, तो डेफिनेटली ये एक मेरा ख्याल है कि किसी भी इंसान जिसकी जिसको लगता है कि वो अगर आर्म फोर्सेस का हिस्सा है, तो हमारे सभी जवान ऐसे ही हैं, सभी अफसर, सभी लोग प्रॉब्ली वो तैयार होते हैं हर वक्त, और शहादत तो एक ऐसा रुतबा है जिसके लिए हम सभी बींग मुस्लिम
हमारी ख्वाहिश होती है, मगर ज़ाहिर है आर्म फोर्सेस में जो भी इंसान होता है उसका प्राइमरी एक मकसद तो यही होता है उसके पीछे। मैडम मुझे बताइएगा कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो बहुत ही मोहब्बत का होता है, केयरिंग होती है, और आप एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। कभी आपने इसको कहा नहीं कि मुबीन साहब आप क्या करते हैं या आप क्यों ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको ख़तरा है? रोकती तो होंगी आप उन्हें? बींग अ वाइफ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इंसान को, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर और तरह की इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं। मगर जब आपके हस्बैंड या आपका स्पाउस किसी ऐसी फील्ड में प्रोफेशनली इन्वॉल्व होता है तो आप एक चीज़ पे तो डेफिनेटली आपका माइंड मेकअप होता है कि इस तरह की सिचुएशंस आएंगी। मगर ज़ाहिर है रिश्ता इतना अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है और इसमें इतनी मोहब्बत रखी है कि मैं नहीं समझती कि कोई भी इंसान इतना मजबूत होता है कि वो ये इस एक्सटेंड तक सोचता है। मगर अल्लाह की रज़ा है, हमारा ईमान है कि जो इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने आजमाइश देनी है उसमें इंसान को या तो आप हौसले से उसको गुजार लो या फिर आप मतलब हौसला हार कर बैठ जाओ, और फिर जब आपके इर्द गिर्द इतने लोग हों जो सिर्फ आपको देख रहे हों तो डेफिनेटली आपको हिम्मत करनी पड़ती है। एज अ हस्बैंड कैसे हस्बैंड थे, किस तरह के इंसान थे? ऑफिसर्स तो वो बहुत उनकी तारीफ़ करते हैं, वो बहुत ईमानदार और मतलब जहाँ पे रूल्स आ जाएँ तो उन्होंने उन्हें स्ट्रिक्टली ओबे करना है। घर में थोड़ा मार्जिन देते थे आपको? ऑब्वियसली आप दोस्तों की तरह होते हैं, आपके शरीक हयात का मतलब यही है कि जब किसी इंसान के साथ आप ज़िंदगी गुजारने के इस रिश्ते में आते हैं तो आपका यही होता है। और ही वॉज़ अ फाइन ह्यूमन बींग, और अपने हर रिश्ते में उन्होंने हमेशा यही कोशिश की। अच्छे बेटे थे, फरमाबरदार बेटे थे, अच्छे शौहर थे, मोहब्बत करने वाले बाप थे। लेकिन शायद अल्लाह ताला बस अच्छे लोगों की ज़िंदगी या तो उनकी ज़िंदगी शायद कम होती है या शायद उनकी कह लें कि जितना भी टाइम वो गुजारते हैं वो इतना यादगार होता है हर रिश्ते के हिसाब में कि वो शायद इंसान कभी भी एक तो उसका दिल नहीं भर सकता वो जितनी भी देर उनके साथ उस रिश्ते में रहे। कभी भी जो है वो इंसान का शायद ये नहीं होगा कि अब इतने साल हो गए या इतना वक्त गुजर गया। कल ही हुआ है ये हमारे साथ। एग्जैक्टली। और फिर दूसरी बात ये कि शायद अगर आप दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माई लाइफ के वो इतने कंटेंटेड ईयर्स मेरे 18-19 साल गुजरे कि मुझे कमी नहीं लगती किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह। ही हैज़ बीन सो नाइस एंड सो कर्टियस एंड सो लविंग के, और जितने कंटेंटेड वो और जितने डिवोटेड वो अपनी जॉब के साथ थे उतने ही वो अपने हर रिलेशनशिप के साथ थे, इंक्लूडिंग बच्चों में किसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी? 3 बेटियाँ थी, 1 बेटा था, किसके साथ सबसे ज़्यादा अटैचमेंट? मैं तो उनको ये कहती थी कि जो हम सब में छोटा होता है ना आप उसके साथ ज़्यादा अटैच हो जाते तो वो लविंग बहुत क्योंकि उनकी नेचर थी। तो और जब हमारी व्हेन वी गॉट मैरिड आई वाज ओनली 18 इयर्स तो तब मैं छोटी थी तो एग्जैक्टली तो खैर मियाँ बीवी की मोहब्बत तो लाइफ लॉन्ग होती है इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर बच्चे फिर ज़ाहिर है जिसका बचपन ज़्यादा है उसके साथ ज़्यादा एक्सप्रेस करना और फिर जो बड़ा होता जाता है उसके साथ और तरीके से, और फिर उनकी एक्सपोजर पब्लिक एक्सपोजर इतना था दैट ही न्यू हाउ टू डील विद द किड्स एज वेल, क्योंकि बड़ी बेटी के साथ और तरह की अंडरस्टैंडिंग, फिर छोटी के साथ, फिर उससे छोटी, फिर बेटा हुआ। तो हालांकि बेटे को तो बहुत कम टाइम मिला मगर उसकी इतनी अच्छी मेमोरीज़ हैं हमारे पास। बिल्कुल हम उसको सारी मूवीज़ उनकी जो उसके साथ तस्वीरें और वो चीज़ें वो उसकी बिल्कुल हम उसकी मेमोरी में हम अलाइव रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हर वक्त कुछ खा रहे हों, कुछ पी रहे हों, कोई काम कर रहे हों, कोई बात कर रहे हों। तो वो अभी से वो यही कहता है कि नो वन, जब यूनिफॉर्म स्कूल का पहनता है तो वो कहता है कि मैंने अब बाबा की तरह अपना यूनिफॉर्म पहनना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे उसको, उसकी विश पूरी करे और जहाँ वो जाना चाहता है। मैडम कैप्टन साहब ने तो अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश किया और इसके साथ ही साथ दीगर पुलिस अहलकार ने भी अपने कीमती नजरानों का नजराना पेश किया, लेकिन अब हम देखते हैं कि सिचुएशन काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हालात बहुत बेहतर हैं। आते हैं बीच में सुनने में ऐसी कोई ना कोई इंसिडेंट्स छोटे मोटे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेजर इंसिडेंट्स अब नहीं हैं, और डेफिनेटली ये सब जो है वो एक म्यूचुअल एफर्ट के थ्रू ही है। अच्छी प्लानिंग हो, आपकी फोर्सेस डेफिनेटली एट स्टेक थीं और उनमें बहुत लोग गए, बहुत अच्छे अच्छे मतलब अफसर भी गए और बहुत जवानों ने अपनी
कुर्बानियाँ पेश की, तो डेफिनेटली आज़ादी या अगर आप हिफाजत के हवाले से बात करें तो ये कोई आसान चीज़ नहीं, इसके लिए हर बहुत बड़ी कीमत कौमों को देनी पड़ती है और चुकाई और चुका रहे हैं, मगर बस अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियाँ कबूल करे और हमें आइंदा हमारे ऊपर ये आजमाइश ना आए। और मैं तो सबके लिए ही दुआ करूँगी अल्लाह ताला कभी किसी को इस महरूमी से ना गुजारे और सब अपने अपने घरों में सुकून से। एग्जैक्टली मैडम, सेफ सिटी का बहुत बड़ा किरदार था क्योंकि उस वक्त मैं खुद ड्यूटी पर मौजूद थी, जब मैंने खुद कैमरे में देखा कि हर तरफ धुआं है और जब वो धुआं चला गया, डिसअपियर हो गया, तो हर तरफ लाशें बिछी हुई थी और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की मदद से फैसिलिटेटर को पकड़ा गया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का क्या किरदार है इस सारे जो दहशतगर्दी पर का खात्मा हुआ है और अब हम पर अमन जो है उसमें फिजा में सांस ले रहे हैं, क्या किरदार देखते हैं? जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो इसके पीछे बेसिकली तो सेव सिटी को सेव करने के लिए ही हर मतलब उसमें ये प्लानिंग हुई थी कि जी कैमराज प्लेस किए जाएं और उस हवाले से कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी दहशतगर्दी की कोई इंसिडेंट होने वाला हो तो उसको किसी भी तरीके से रोका जा सके या एटलीस्ट उस पर फिगर आउट किए जा सकें लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो बिल्कुल बहुत अहम किरदार है इस हवाले से दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के हवाले से, ख़ास तौर पे क्योंकि इतने लार्ज स्केल पर प्रोसेशंस मुनक्किद होते थे और उनकी कोई विजिलेंस नहीं होती थी सिवाय इसके कि ह्यूमन आई उनको देख रही होती थी, बट डेफिनेटली एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा स्टेप है और सेफ सिटी ने डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इस हवाले से। बिल्कुल उनको दाद बनती है और उनका बहुत किरदार है इस दहशतगर्दी की लहर को ख़ास तौर पर रोकने के हवाले से। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमने इतना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच।